एक घर के बारे में पता चला कि वहां पर उनका सरप्रस्त दुनिया से जा चुका है एक खातून है जिसके दो तीन यतीम बच्चे हैं और जनाब अमीर तक ये खबर पहुंची कि वो अपने बच्चों की भूख का कोई इंतजाम नहीं कर सकती उनको बहुत ज्यादा वो भूखे हैं रो रहे हैं बिलबिला रहे हैं और उसकी माँ जो है बच्चों की वो आग पर खाली पतीली रख कर खाली बर्तन रख के अपने बच्चों को बहला रही है कि किसी तरीके मेरे बच्चे सो जाएं इस तसल्ली में कि मैं इनके लिए कुछ बना रही हूँ जैसे ही जनाब अमीर भी तलबा के पास ये खबर पहुंची जनाब अमीर अल्लाम ने कुछ रोटियाँ ली कुछ खजूर ली और खाने पीने का सामान लिया और अपनी कमर पर लाद कर अपने खुद अपनी कमर पर अपने शानी पे रख कर घर से रवाना हुए तो जनाब अमीर का गुलाम कंबर साथ था अर्ज करने लगा मौला जब मैं आपके साथ हूँ ये आप सामान खुद क्यों उठाते हैं मुझे हुक्म करें मैं लेके जाता हूँ जनाब अमीर ने उसको अपने हाथ से पीछे कर दिया और कहा कंबर ये मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं इनका हुक्मरान हूँ मैं इस वक्त ख़लीफ़ातुल मुसलमिन हूँ और मैं परवरदिगार की तरफ से जनाब सरवर कायनात की तरफ से हजत हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अगर कोई भूखा है कोई ज़रूरतमंद है तो मैं उसके लिए इंतज़ाम करूँ और मैं वहाँ तक पहुँचूँ कम्बर जनाब सलाम के साथ चलता हुआ उस घर तक पहुँचा अब क्या देखता है कि जनाब अमीर घर के अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं अब वो खातून अपने रोते हुए बिलकते हुए भूखे बच्चों को बहला रही है कि जनाब अमीर ने उस जलती हुई आग पर कुछ पकने का सामान रखा खुद अपने हाथ से कुछ वहाँ पर पकाना शुरू कर दिया जब खाना तैयार हो गया कंबर देखता है कि जनाब अमीर ने अपने हाथों से उन बच्चों को खाना खिलाया जब बच्चों को खाना खिलाया तो एक कंबर की हैरत की इंतहा हो गई कि जब जनाब अमीर को इस हालत में देखा कि वो जमीन पर इस तरीके से बैठ गए कि जिस तरीके से हम घोड़ा बनते हैं अपने बच्चों को पुश्त पे बिठाते हैं इस तरीके से घोड़ा बन गए मुबारक से निकाली के बच्चे वो सुनके और मौला को इस तरीके से चलता हुआ देख कर मुस्कुराने लगे जनाब अमीर उठे घर से बाहर आ गए अब कमर ने जनाब अमीर से अर्ज की मोला मुझे बड़ा ताजुब हुआ है दो तीन बातों पर जो आज मैंने देखी है कि आप उनकी भूख का इंतजाम करने के लिए घर से सामान लेकर भी गए हैं उनको पका के भी दिया है उनको खिलाया भी है फिर इस तरीके से आपका उनको बहलाना कि आप अपने हाथों और पैरों के बल जो है वो जमीन पर चल रहे हैं और मुख्तलि आवाजें निकाल रहे हैं मेरे दिल में ये ख्याल आया कि उनको तक खाना पहुंचाना उनको पका के खिलाना ये तो किसी तरीके आपने यकीनन किया कि परवरदिगार की जात राजी रहे और सवाब की खातिर ये मामला इंसान करता है मगर इस तरीके से उनको बहलाना ये मुझे समझ नहीं आई तो जनाब अमीर ने फरमाया कि जब मैं घर में दाखिल हुआ था ना ये बच्चे भूखे भी थे और रो रहे थे मैं ये चाहता था कि जब मैं घर से बाहर निकलूँ ना तो इनके पेट भी भरे हुए हों और ये मुस्कुरा भी रहे हों तो कंबर मेरे जहन में जो आया कि मैं इन बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट कैसे ला सकता हूँ तो मैंने इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए ये अमल किया अगर आप गुज्त कभी मेरी वीडियोज देखें तो उसके अंदर जनाब अबू बसीर का एक वाक्य जो तारीख में मिलता है कि जनाब अबू बसीर ने जब अपने आप को महशर के मैदान में मेजान पर देखा था और उनके तो उनके आमाल तोले जा रहे थे तो अमाल में कोई चीज़ और नजर नहीं आ रही थी सवाए वो रोटियाँ थी जो यतीम बच्चे को दी थी या वो मुस्कुराहट थी जो एक हलवे की कटोरी देने पर उस बच्चे के चेहरे पर आई थी जो जनाब बसीर की बख्शिश का सामान बन गई थी यहां पर भी वही चीज नजर आती है कि अली ने उनको खाना भी खिलाया उनका पेट भरा और फिर उन यतीम बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर जनाब अमीर अपने घर से बाहर आए और यहाँ पर जनाब कंबर से इर्शात फरमाते हैं कंबर याद रखना दुनिया का बेहतरीन घर वो है जिसके अंदर यतीम के साथ बेहतरीन सलूक किया जाए और दुनिया का बदतरीन घर वो है कि जिसके अंदर यतीम पर जुल्म किया जाए परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हम सबको सही मानों में सीरत महम्मद महम्मद को पढ़ने समझने और उस पर अमल करने की तोफ़ी कता फरमाए ना